हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। इस चैनल पर नए हो या पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि एजुकेशन से रिलेटेड हर वीडियो तुरंत आप तक मिलता रहे। एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है सभी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ये वीडियो ऐसी वीडियो है जो हर चैप्टर में आपको अप्लाई होती है। क्या है वो? ए प्लस बी होल स्क्वायर किस तरह अप्लाई करना चाहिए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, इस तरह भी आपको लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला रहने दो, या ए प्लस बी ए माइनस बी होल स्क्वायर रहने दो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी रहने दो। एक फार्मूला अगर अच्छी तरह कन्फर्म हो जाएगा आपको कि हाँ ये फार्मूले में हम अप्लाई करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, तो रिमेनिंग सारे फार्मूले आपको अप्लाई करने में आ जाएंगे, ईजी होगा। मैं क्वेश्चन बताऊँगा। एक क्वेश्चन है आपके पास 3x प्लस 5y होल स्क्वायर। इसके दो मेथड्स हैं, दोनों मेथड में आपको बदलाऊंगा। पहला मेथड है a प्लस बी होल स्क्वायर में अप्लाई करना, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। हमको कैसे पता चलना है कि यही फॉर्मूला में ये क्वेश्चन अप्लाई करना है? ये क्वेश्चन जो रहेगा बाइनोमियल में रहेगा, माने दो वर्ड्स भी रहेंगे, दो ही नंबर रहेंगे, या 3x प्लस 5 रहेगा या 2a प्लस 3 भी रहेगा, कोई भी रहेगा, a प्लस b रहेगा, कोई भी एक नंबर रहेगा, बाइनोमियल के रूप में ही रहेगा। तो बाइनोमियल के रूप में ऊपर स्क्वायर है तो a प्लस बी होल स्क्वायर, क्यूब है तो a प्लस बी होल क्यूब, या माइनस है तो a माइनस बी होल स्क्वायर, इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए, हमेशा ये वाले क्वेश्चन को ए लेना, ए वाले को बी लेना। अब इसको सब्सटीट्यूट कीजिए, ए स्क्वायर मतलब 3x स्क्वायर हो गया, प्लस ए टू यहां पर एज इट इज लिखना है, ए बी का मतलब ये दोनों रख सकते हैं आप 3x और 5y, बी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 5y स्क्वायर। ये करेक्ट अप्लाई हो गया, क्योंकि ये फॉर्म तो हमको दे रखा है, ये फॉर्म में हमको लिखना है, तो इसलिए पहले वाला लिखकर स्क्वायर, ये 2 का 2 एज इट इज, ए बी मतलब ये दोनों, फिर बी स्क्वायर एज इट इज। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 3x को 2 टाइम लिखना है, प्लस 2 3 6 6 5 30 xy as it is, प्लस 5y को 2 टाइम लिखना है, 5y इंटू 5y 3 3 9 x 2 टाइम स्क्वायर, प्लस ये एज इट इज 30xy प्लस 5 5 25 y इंटू y स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, ये आप अप्लाई करें। कोई भी क्वेश्चन था इसी तरीके का, इसी मेथड में आएगा, ये अच्छी तरह आपको याद रखना है। इसका एक और मेथड क्या है, देखिए, ये 3x प्लस 5y होल स्क्वायर 2 टाइम है, तो मतलब क्या हो जाएगा, 3x प्लस 5y 3x प्लस 5y, ये दो हो जाएगा 2 टाइम, यहाँ पर स्क्वायर दे रखा है 2 टाइम। अब इसको हम प्रोडक्ट फॉर्म में करेंगे, प्रोडक्ट फॉर्म में क्या मतलब क्या है, 3x लिखकर ये ब्रैकेट में लिखेंगे 3x प्लस 5y, फिर ये 5y लिखकर ये 3x प्लस 5y लिखेंगे हम, ये प्रोडक्ट फॉर्म भी कर सकते हैं, ये 3x लिखकर ये, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख के 5y लिख के ब्रैकेट में। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन कीजिए, 3 3 9 एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 3 5 15 एक्स इंटू वाई एक्स वाई, 5 3 15 एक्स इंटू वाई एक्स वाई, 5 5 25 वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर। देखिए ये अकेला वैसे रख दिए, 9x स्क्वायर ये दोनों है, प्लस करेंगे तो 30xy प्लस 25y स्क्वायर, देखिए दोनों बराबर है। दोनों मेथड से भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मेरा मानना यह है कि ये अच्छी तरह आप याद रखिए। कोई भी क्वेश्चन दे दो, चाहे एक और क्वेश्चन आपको बतलाता हूं, देखिए कोई भी क्वेश्चन दे दो आप, सपोज एक और क्वेश्चन है आपके पास, इस तरह दे दिया है 5x माइनस 8y होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस है, तो मतलब क्या हो जाएगा, प्लस जहाँ पर है वहाँ पर ये माइनस, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। चाहे ये फार्मूला अप्लाई कीजिए, चाहे ये फार्मूला अप्लाई कीजिए, दोनों का मतलब भी एज इट इज़ है। किस तरह अप्लाई करेंगे, देखिए ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर में आप ले रहे हैं तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस तरह आप करेंगे। एक क्वेश्चन अगर आप एक समझ जाएंगे, रिमेनिंग सारे क्वेश्चन आपको आसानी हो जाएंगे। अब देखिए, ए स्क्वायर मतलब 5x स्क्वायर माइनस टू ए बी मतलब क्या हो जाएगा, 5x और 8y
बी स्क्वायर हो जाएगा 8y स्क्वायर। ये सब्सटीट्यूशन अगर अच्छा आ गया तो रिमेनिंग पूरा पार्ट आपको समझ में आ जाएगा। 5x 2 टाइम 5x इंटू 5x, 2 5 जो 10 10 8 जो 80 xy, प्लस 8y 2 टाइम 8y इंटू 8y, 5 5 जो 25 x इंटू x x स्क्वायर, 80xy एज इट इज, 8 8 जो 64, y इंटू y y स्क्वायर, करेक्ट हो गया। डिफरेंस क्या है? सिर्फ माइनस का डिफरेंस है। मेथड एज इट इज, चाहे कोई भी क्वेश्चन दो बाइनोमियल के फॉर्म में दिए तो ये, आप इसको प्रोडक्ट फॉर्म में अगर कर रहे हैं आप तो 5x माइनस 8y को 2 टाइम 5x माइनस 8y, यहाँ स्क्वायर है 2 टाइम, ये 5x लिखेंगे हम, लिख के ये ब्रैकेट में लिखेंगे 5x माइनस 8y, फिर ये -8, यहाँ पर -8y है, -8y लिखेंगे, ब्रैकेट में 5x माइनस 8y लिखेंगे, 5 5 जो 25 x स्क्वायर, 5 8 जो 40 xy, फिर 8 5 जो 40 xy, माइनस इंटू माइनस प्लस, 8 8 जो 64 y स्क्वायर, ये दोनों अकेले हैं वैसे रख देंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे 80xy प्लस 64y स्क्वायर, देखिए ये एज इट इज। कोई भी क्वेश्चन दो चाहे इस तरह, आप सपोज 3xy प्लस 4yz होल स्क्वायर भी दे रहा तो भी यही फॉर्मूला, जब तक आपको बाइनोमियल फॉर्म आकर ऊपर स्क्वायर आएगा तब तक आपको a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर आपको लेना पड़ा। अगर सपोज इस तरह दे दे रहा 2x प्लस 3y 2x माइनस 3y, यहाँ पर चेंज हो जाएगा फॉर्मूला, यहाँ पर वेरिएबल्स या क्वेश्चन तो सेम है लेकिन सिंबल्स बदल रहे हैं, तो ऐसे वक्त आपको क्या करना होगा, एक को a प्लस बी देना होगा, एक को a माइनस बी देना होगा, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखना है, तो ए स्क्वायर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, बी स्क्वायर हो जाएगा 3y स्क्वायर, एक 2 2 जो 4x स्क्वायर हो जाएगा, 3 3 जो 9y स्क्वायर हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा इसका 2ab इसके अंदर नहीं आएगा। अगर इसको प्रोडक्ट फॉर्म में अगर आप कर रहे हैं, प्रोडक्ट फॉर्म में देखिए 2x प्लस 3y 2x माइनस 3y, प्रोडक्ट फॉर्म में आप कर रहे हैं तो 2x लिखकर ब्रैकेट में लिखेंगे 2x माइनस 3y, प्लस 3y लिखकर ब्रैकेट में लिखेंगे 2x माइनस 3y, ये 2 2 जो 4x इंटू x x स्क्वायर, 2 3 जो 6xy, प्लस 2 3 जो 6xy, प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 3 जो 9, y इंटू y y स्क्वायर, प्लस और माइनस के आंसर 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, देखिए ये आंसर दोनों बराबर होंगे। इस तरह कोई भी क्वेश्चन दो इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो धीरे धीरे देखिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर ये अच्छी तरह समझेंगे तो आपको मैथमेटिक्स करने में बहुत आसानी होगी। आपको पहले हाउ टू अप्लाई फार्मूला, उसके बाद सिंबल्स कैसे यूज़ करना है, उसके बाद सॉल्यूशंस किस तरह सॉल्व करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन किस तरह करना है, कैंसिलेशन किस तरह करना है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट अगर अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएंगे तो सारा मैथमेटिक्स आपके लिए आसानी होगी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं रहने की वजह से हमको मैथमेटिक्स बहुत मुश्किल लगता है। अगर मैथमेटिक्स को आप आसान बनाना चाहते हैं तो ये सभी वीडियोज़ को फॉलो करना होगा, सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह सॉल्व करना होगा, तभी आप मैथमेटिक्स में अच्छा कर पाओगे। तो ये वीडियो कैसा लगा है? ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट्स के लिए। इस तरह थोड़े थोड़े वीडियोस करके हम अपने